हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न रहेंगे, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, आगे भी आने की पूरी संभावना है। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है उनकी रिविजन भी हो जाएगी और ये प्रश्न आपके लिए जो है एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ये वीडियो आपकी DSSBTCET सोशल साइंस KVS NVS CTET STET सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो पहला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ हुई। भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष जो है शुरू हुई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1991, बी 1971, सी 1994, डी 2001। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, स्कोर बताइएगा। तो सही उत्तर रहेगा आपका 1991। भारत में आर्थिक सुधार नीतियां 1991 में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा समान स्तर की वर्षा वाले स्थानों से जुड़ती है। ठीक है, समान स्तर की वर्षा वाले स्थानों से जुड़ती है, आपको उस काल्पनिक रेखा का नाम बताना है। ऑप्शन ए है समोच्च रेखा, बी आपका समवर्षा रेखा, सी आपका समताप रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है, कई एग्जामों में आया हुआ है। तो समवर्षा रेखा जो है समान स्तर की वर्षा वाले स्थानों से जुड़ती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत में गज ए सिकंदरी प्रणाली की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए सिकंदर शाह, बी अलेक्जेंडर तृतीय, सी बहलोल लोधी, डी सिकंदर लोधी। तो गज ए सिकंदरी की जो प्रणाली थी वो शुरू की गई थी किसके द्वारा, बताइए। सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोधी, राइट आंसर इज द डी सिकंदर लोधी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है, दक्षेस का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए भूटान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी जापान। तो सार्क का सदस्य नहीं है, उत्तर आ जाएगा जापान। अगला प्रश्न, 10th क्लास की जियोग्राफी से ये प्रश्न है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण है, गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो क्या है, तो अगर पंजाब पूछा गया तो अधिक सिंचाई आएगा, अगर राजस्थान पूछा जाएगा तो अधिक अति पशुचारण आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य बताना है। चावल उत्पादक राज्य, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो भारत का जो बड़ा चावल उत्पादक राज्य है वो आ जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोत्तम किस्म का लोह अयस्क है। ऑप्शन ए लिग्नोनाइट, बी मैग्नेनाइट, सी हेमेटाइट, डी एंथ्रेसाइट। तो सही उत्तर हो जाएगा मैग्नेटाइट। भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, झारखंड, सी उड़ीसा, डी उड़ीसा। डी सही उत्तर हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक जो लोहा मिलता है उत्तर आ जाएगा छत्तीसगढ़। निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम लोह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। ऑप्शन ए जमशेदपुर, बी दुर्गापुर, डी राउरकेला, डी आपका भिलाई। तो सही उत्तर हो जाएगा बी जमशेदपुर। नेक्स्ट प्रश्न, जिला उपभोक्ता मंच में कितने सदस्य होते हैं, ये आपका होमवर्क है, आप बताना 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताना 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो
तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकाटक झील स्थित है? ठीक है, या लोकताक भी आपको मिल सकता है। ऑप्शन ए केरल, उत्तराखंड, मणिपुर, राजस्थान। तो लोकाटक जो झील है वो आपकी मणिपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत विश्व के स्थलीय धरातल का कितना प्रतिशत भाग है? ऑप्शन ए 1%, बी 3%, सी 2.4%, डी आपका 35%। तो भारत विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका भारत के किस के द्वारा अलग हुआ? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, बी पाक जल संधि, आपका जो सी है दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका भारत से अलग हुआ पाक जल संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य कौन सा बना? ए तेलंगाना, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़। तो भारत का 29वां राज्य बना तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का तेलंगाना राज्य कब बना? ऑप्शन ए जून 2014, जून 2016, अगस्त 2009, जुलाई 2014। तो भारत का 29वां जो राज्य है तेलंगाना, वो जून 2014 में बना। तो ये थे आपके एक और मैं ऑप्शन जो प्रश्न आया है, चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? ए हिमालय क्षेत्र, बी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, आपका सी मरुस्थलीय क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो हिमालय क्षेत्र से है। ये प्रश्न भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक है, एक केंद्रीय बैंक, बी सहकारी बैंक, सी अग्रणी बैंक, डी वाणिज्यिक बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक है केंद्रीय बैंक, क्या है? केंद्रीय बैंक। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम है, प्रश्न इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम बताओ। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सी सरदार भगत सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक लिखी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके हम लेके आएंगे। धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।